अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही चार्मिंग कलेक्शन वॉल रीथ्स की एंड डोर रीथ की फ्लावर्स के साथ, जो कि ड्राइड फ्लावर्स जो होते हैं या प्रिजर्व्ड फ्लावर्स जो होते हैं उनके साथ जो रीथ्स बनाई जाती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ अपनी आज की वीडियो में। सो वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चैनल पर न्यू है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। व्यूअर्स, ये जो आप रीथ्स देख रहे हैं सारी की सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स के साथ बनी हुई है। इनमें आपको प्रिजर्व फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको ड्राइड फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं मोस्टली, या आप चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और लीव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह, स्टेम्स वगैरह ये यूज़ करके अपनी जो रीथ्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। इन रीथ्स को आप अपने डोर पर हैंग कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस जो मेन डोर होता है आपके घर का उस पर हैंग कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी अपने घर के किसी भी वॉल पर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक एस्थेटिक वाइब आपके घर को प्रोवाइड करती है ये रीथ्स, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स की रीथ्स हैं जिनमें कुछ हैंगिंग रीथ्स भी हैं और कुछ ज़्यादा जो कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ वॉल के साथ अटैच हो जाएंगी, बहुत प्यारी लग रही हैं। कुछ थोड़े से डोरी वगैरह के साथ भी है जिनको आप हैंग कर सकते हैं किसी भी नेल वगैरह पर। एंड व्यूअर्स, इसमें आप देखें तो बहुत ही अच्छे अच्छे से जो प्रिजर्व फ्लावर्स होते हैं या जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं वो आप इसमें ऐड किए गए हैं। ड्राई फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत एस्थेटिक लुक देते हैं आपके घर में। अगर आपने वैसे भी कहीं कॉर्नर्स वगैरह में ड्राई फ्लावर्स के वैस रखे हों तब भी बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड होती है। और अगर ये रीथ्स आप लगा देते हैं ड्राई फ्लावर्स से बनी हुई विद सम रिबन्स, विद सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो आप इनको ईजिली अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी एक कॉर्नर है जो कि एम्प्टी रहता है या कोई वॉल ऐसी है जो एम्प्टी है, आपको समझ नहीं आ रहा उस पर क्या आप लगाएं, या कुछ इस तरह का कंसोल रखे हैं जिसके एंट्रेंस में, कुछ मोस्टली लोगों के एंट्रेंस में कंसोल्स रखे होते हैं घरों की, तो वहाँ पर आप जो वॉल होती है कंसोल के ऊपर वहाँ आप चाहें तो इस तरह के रीथ्स ऐड कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। या फिर अगर आपकी कोई भी एम्प्टी वॉल है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं आप उस वॉल के साथ, तो इस तरह की जो ड्राइड फ्लावर्स और प्रिजर्व फ्लावर की रीथ्स वगैरह है वो आप वहाँ पर हैंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक आती है। इसके नीचे आप कंसोल पर चाहें तो इकबानास रख सकते हैं फ्लावर्स के। इकबानास के भी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो ज़रूर उनको भी विज़िट कीजिएगा। तो इकबानास भी आप रख सकते हैं कंसोल्स वगैरह पर, टेबल्स रख सकते हैं इसके नीचे, और ये जो रीथ्स हैं आप इनको वॉल पर हैंग करके बहुत ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगे सारे के सारे आइडियाज़, आई होप आपको पसंद आ रही होगी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है आज की वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई वीडियोस भी आपसे मिस ना हो सके, जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं उनको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताया करें। सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो मैं वो वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।